कहीं भी भाग लो बेला, हर जगह मुझे ही पाओगी। आज नहीं बच पाओगी तुम मुझसे। आज की रात हर जगह हर कदम पर मैं हूं, यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं पे भी मेरा बस चलता है। वो सब हुक्म के आगे वशीभूत हो जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जहां जाओगी मुझे ही पाओगी। आज की रात चाहे इंसान हो या जानवर, जीवित हो या मृत, सब पर मेरा बस चलता है। मैं जानती थी सबके पीछे तुम हो, तुम इन्हें वशीकरण कर रखा है। वो ऋत्विक को भी तुमने हिप्नोटाइज करके रखा है। अब जैसा तुम सोचना चाहो सोच सकती हो। ये सब पता, इस सब के पीछे तुम हो, हर जगह तुम। इसलिए मैं सावधानी बरत रही थी। इतनी भी सावधानी मत बरतो नागरानी, वरना मेरा अंधकार इस दुनिया में कैसे आएगा? बस करो। बस ये खेल तुम और मैं पूरी रात खेल सकते हैं। देखना चाहोगी कैसे? गौर से देखो नागरानी, कितनी खूबसूरत है ये दुर अमावस की रात। कई सालों से मुझे इसी रात का इंतजार था, क्योंकि आज की रात मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और इस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आज की रात चुनी है। आज तुम मुझे बहुत बड़ी सौगात देने वाली हो। मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम पहले मेरा चेहरा देखकर डर गई थी ना, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, यकीन मानो। छोड़ा मुझे। क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद हो गई? मैंने कहा था ना आज तुम डरोगी नहीं, यही मेरा असली चेहरा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मैं एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं? दूर हटो मुझसे। अगर तुमसे दूर रहा तो मेरा अंत का आएगा कैसे? अब क्या करोगी नागरानी? मुझे पाना चाहते हो ना तुम? तुम्हें कोई शक है तो आओ, मैं यहां हूं, पर मुझे मत भूल जाना, मैं हूं असली बेला। तुम्हें मुझे जानबूझ के वो दवाई पिलाई थी ना, जिससे मैं किसी और का रूप नहीं ले पाऊंगी? हाँ, ताकि तुम मेरे वश में रहो, मेरे करीब रहो। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे उस जादू की वजह से तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि असली बेला कौन है। सोचते और खोजते रह जाओगे और मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगा। वो मैं हूं असली बेला। नहीं नहीं, मैं हूं वो असली बेला। मैं हूं, सच्ची बात बताऊं, वो मैं जिसे तुम अपने बच्चे की मां बनाना चाहते हो, असली बेला। चाल अच्छी है, क्यों ना मैं तुम तीनों को मार दूं? ठीक है, मार दो, शौक से मारो, लेकिन इतना सोच लेना
कि हमारे साथ साथ तुम्हारा सपना भी मर जाएगा, इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनने का सपना। और हाँ, फिर अंधका का क्या होगा? अगर हमें मार दोगे तो अंधका कैसे आएगा इस दुनिया में? ओहो, तो इसका मतलब वो सब भी एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम में से असली नागरानी को पहचान लूंगा। तो पहचानो ना, पहचानो और बताओ कि हम में से तुम्हारी असली नागरानी कौन है? कौन है असली नागरानी? नहीं, अब ये मेरी मदद करेगा असली बेला को ढूंढने में। होने का समय आ गया। तीसरी बेला कहाँ? मुझे पता था हमारे निजी समय में कोई ना कोई खलल जरूर डालेगा, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं। यहां ना तुम्हारी नींद टूटेगी और ना मेरा सपना। बताओ बेला कहाँ है? बेला मैं ही हूँ। विशाखा कहाँ है? अच्छा, तुम मेरे, विशाखा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा रूप लेकर वहां पहुंच जाऊं। हाँ, उसी की तरकीब थी, क्योंकि हुकुम के जादू की वजह से मैं अपना रूप नहीं बदल पा रही, तो उसी ने कहा था कि वो उसका रूप ले लेगी और हुकुम के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि हुकुम के जादू का असर उस पे हो गया है, वो हिप्नोटाइज हो गई है, और जहां उसे हुकुम लेके जाएगा वहां पे चली जाएगी। हाँ, और जहां वहां उसे लेके जाएगा हम लोग पहले से वहां तैयार रहेंगे, उसका इंतजार करेंगे। Exactly. तुम भी रूप ले लोगे और हम वो तीन तीन बेला को देख के कंफ्यूज हो जाएगा। एक बेला जो उसके कब्जे में है, जो बेला नहीं विशाखा, और दो जो छत पे थी, एक तुम और एक मैं। और ठीक ऐसा ही हुआ, विशाखा ठीक कह रही थी, हमने उसे बहुत कंफ्यूज कर दिया, जिससे वो समझता है कि बेला है वो विशाखा, और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। और तीन तीन बेला देख कर वो वहां से डर के मारे भाग गया। और अभी विशाखा है कहाँ? शायद यहीं कहीं छुपी होगी। हमने पिछली साइड नहीं देखा ना, हो सकता है वहां पे हो, क्योंकि विशाखा बहुत होशियार है। मुझे नहीं लगता कि वो हुकुम के कब्जे में आ सकती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हुकुम अब तक भाग गया हो। मतलब हम हमारे मकसद में कामयाब हुए हैं और हमने उस हुकुम के मकसद को पूरा नहीं होने दिया, बस किसी तरह ये रात बीत जाए बस। क्योंकि आज ही का वक्त है उसके पास अपने बेटे उस अंधका को इस दुनिया में लाने का। तो किसी तरह आज की रात बीत गई तो दुरमावस के लिए उसे फिर सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बस विशाखा को ढूंढते हैं।
मेरा काम हो गया नागरानी, अब मेरा अंश तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम इस दुनिया में लाओगी और वो बनेगा इस दुनिया सबसे शैतानी ताकत। मेरा बेटा अंत का जिसे जन्म दोगी तुम। घबराया होगा, भाग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, पता करना पड़ेगा, मॉम से बात करता हूं। कम ऑन बेला यार, मैंने तुम्हें कितने रोकने की कोशिश की पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, चली गई। कहां ढूंढूं तुम्हें? एक मिनट, कू अपने फ्रेंड के घर गई है, क्या नाम है उसका, मनदीप पुट्रो, वहां जाता हूं उससे पहले कि देर हो जाए। कम ऑन हमें देर नहीं हुई है विक्रांत, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। नाम से बहुत बड़ी गलती हो गई है बेला, हमें लगा कि विशाखा घर पे होगी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद उसको कुछ पता नहीं है, पर मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं सच में वो हुक्म विशाखा को कहीं गलत जगह ना ले जाए, कहीं कुछ गलत गलत ताकत है। शांत हो जाओ विक्रांत। कैसे शांत हो जाओ बेला, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, तुम जानते हो ये वो हुक्म कितना खतरनाक है, ये कितना बड़ा शैतान है, वो मेरी विशाखा के साथ कुछ गलत ना कर दे। और अगर ऐसा होगा ना तो ये मेरी गलती होगी, इसकी जिम्मेदार मैं होगी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है विक्रांत। मेरा सब कुछ मत कहो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो फैसला था वो हम तीनों का बराबरी का था, तो मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझ सकता हूँ, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उस शैतान को कहाँ ढूंढे, उसका कुछ पता नहीं है, उसकी हवेली नहीं, उसकी गुफा नहीं, क्योंकि जब हम आखिरी बार उस गुफा में गए थे हमने उसे तहस नहस कर दिया, और अगर उस हुक्म को ये लगता है कि वो मुझे अपने साथ लेके गया है तो किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहां पे पहुंचना आसान हो, जिसका अंदाजा लगाना आसान हो, वो एग्जैक्टली उसका उल्टा करेगा। क्या मतलब? तो मुझे पता है कि वो विशाखा को कहां लेके गया। What's happening? अरे मासी अंदर चलो, मॉम से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉम जल्दी करो। हाँ क्या क्या हो रहा है? हम गलत थे। किस बारे में? ये उस लड़के ऋतिक के बारे में, वो कोई हुकुम, अरे हुकुम ही है वो, कोई हुकुम नहीं है, मैंने उसे घर के बाहर डरने भागते हुए देखा है। अरे भागे गई ना, इतना बड़ा कांड जो उसने किया बेला को। अरे रिलैक्स मौसी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो एक इंसान, और जब मैं उसके रूम में गया तो मैंने अजीब अजीब चीजें देखी, वो कोई काली शक्तियों की किताबें, अकल्ट, डीमन, पता नहीं क्या क्या। रविश क्या बकवास कर रहा है? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, हमें गलतफहमी हो गई थी, ऋतिक कोई शैतानी शक्ति नहीं है। कैसे हो सकता है? अगर वो ऋत्विक हुकुम नहीं है तो फिर हुकुम कौन है? और बेला माहिर, वो दोनों का है? मैंने सारे रूम की तलाशी ली, घर पे कोई भी नहीं। ये लोग हमारा जीना दुश्वार करके रहेंगे, चलो मेरे साथ। बिल्कुल ही फोन पे बात करने का टाइम है। हेलो। हाँ बोलो, मैं कुहू। अरे मैं घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, और ये लॉक क्यों है? कहाँ हो तुम लोग? थैंक गॉड तुम बाहर ही हो, हम लोग घर के अंदर ही हैं, प्लीज दरवाजा खोलो ना। बाहर? और ओके ओके ओके, रिलैक्स। कौन था फोन पे? वो What happened?
तू भाई नहीं है मेरा, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। तू ही छोड़ो, तू हुकुम है ना, हुकुम है ना तू? हाँ माहिर, तू ही कर रहा है सब कुछ। और माहिर भाई, अगर ये हुकुम होता तो हमारी मदद क्यों करता, जरा सोचिए। ये हुकुम है या नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बेला हैड अ फीलिंग, कुछ तो गलत है इसके साथ। माहिर लीव मी, मैं सिर्फ बेला की हेल्प कर रहा था, समझे तुम? आई स्वेयर, जब बेला मुझसे मिलने आई तो उस शैतान के बारे में जानना चाह रहा था मैं उससे। शैतान जिसको तुम लोग हुकुम कहते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था मैं, जिससे मैं बेला की हेल्प कर सकूं। बेला मेरी आंखों के सामने नागिन में कन्वर्ट हो गई, और देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ के घर से बाहर चली गई। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? तुम उस हुकुम के बारे में पढ़ रहे थे? Yes, absolutely. I'm a paranormal activist. इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता हूँ। पर आई स्वेयर, मेरा उस हुकुम वुकुम से ना कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो बेला को ढूंढते हुए यहाँ तक आया। ढूंढते हुए आया था मतलब? बेला घर पे नहीं है? नहीं, ना बेला घर पे, ना उसके फ्रेंड्स विक्रांत, ना विश, कोई घर पे नहीं। मुझे एक ही जगह यहाँ पे पता थी, मुझे लगा कि वो लोग यहाँ आए होंगे, पर शायद वो लोग भी यहाँ नहीं है। और तुम लोगों को किसने लॉक किया? विक्रांत ने, और मैं समझ गया हूँ क्योंकि वो हमारी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। बेला ने विक्रांत से कहा होगा हमें लॉक करने के लिए। पर माहिर, वो लोग जा कहाँ सकते हैं? हवेली, हमें वही जाके उन्हें ढूंढना होगा। कहो तुम ध्यान रखना अपना, बेबी का भी ध्यान रखना, और उसे चक्रफूल अलग मत होने देना। हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखना। बेला भाभी के मिलते ही मुझे बता देना प्लीज। चलो मार। यहाँ बेला, तुम्हें यकीन है कि हुकुम मेरी विशाखा को यहाँ लेकर आया होगा? हाँ, क्योंकि अब इस हवेली में हमारा कोई भी वफादार नहीं बचा है। जब से उन लोगों ने इस हवेली पे कब्जा किया है, सब उनकी तरफ हो गए हैं, हमारे नाग लोग के नाग। इसलिए उस हुकुम को लगा होगा कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे भी ये पता है कि कोई नहीं सोचेगा कि वो विशाखा को लेके यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अंदर चलते। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, ये लोग बहुत खतरनाक है और हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। हम अंदर साथ में नहीं, अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं सीढ़ियों के रास्ते से अंदर जाता हूँ, और बेला, विशाखा को कुछ पता चले तो मुझ तक खबर पहुंचा देना। घबराओ मत, विशाखा ठीक है और हम उसे सही सलामत बाहर लेके आएंगे। प्लीज डो मारी। विशाखा, विशाखा, बेला, मैंने कर दिखाया, देखा? मैंने कर दिखाया, तुम मुझसे हार गई नागरानी, अपना सब कुछ हार गई। आज इस अमावस की रात में हो गया हमारा मिलन। शाखा, तुमने क्यों किया ऐसा? मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग मेरे लिए, क्यों बर्बाद की तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए? मुझे माफ कर दो शाखा। वो यहां जरूर आएगा।
करो विशाखा, उठो, होश में आओ विशाखा, उठो उठो विशाखा। तुम जाग रही हो, अच्छा है। मैं तुमसे हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बात करना चाहता था। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि अगर मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? चाहे तुम भूल रही हो कि मैं हुक्म, मैं किसी भी काम में नाकामयाब नहीं होता। तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। और एक बात कान खुल के सुन लो, ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतानी है। ये इस दुनिया में आने में 9 महीने बर्बाद नहीं करेगा, उसे कई जल्दी आ जाएगा ही अपनी विनाशकारी शक्तियां लेकर। इसलिए तुम उसका विनाश करने का सोच भी मत लेना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे इस बच्चे में दुनिया का अंत करने की ताकत है, लेकिन इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे बच्चे का अंत कर सके। उसका जन्म लेना निश्चित है। और एक बात और, मेरी निगाह हर समय तुम्ही पर गड़ी है। मैं तो तुम्हें अपने कदम जमीन पर भी नहीं रखने दूंगा। अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। चलो। नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं? जानते हो, तुम भी समझने की कोशिश करो। तुमने जो मेरे साथ करना था तुमने कर लिया। मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाई और आगे से भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। बेशक तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि अपने होने वाले बच्चे की माँ के साथ किस तरह बर्ताव करना है। अगर मैंने कह दिया कि चादर मत हटाओ तो मत हटाओ। बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अपने अंधकार की खातिर तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वरना हुक्म को किसी का हुक्म मानने की आदत नहीं। हे भगवान, अब बस जल्द से जल्द विक्रांत विशाखा को ढूंढ ले। विशाखा! विक्रांत, क्या हुआ? What happened? क्या हुआ है? वो इससे पूछो। ये भले हुक्म ना हो लेकर उसका गुलाम जरूर है। बता दरवाजा खुला, तुमने वहां चेक किया? विशाखा! 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 विक्रांत! विशाखा! तुम ठीक हो? विशाखा! 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 क्या हुआ यहाँ पे? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या क्या हुआ सुकुम ने बताओ मुझे। बेला का विशाखा, मैं होश में आई थी, उसने मुझे यहाँ पर छुपा। क्या क्या हुकुम है? हुकुम क्या क्या उसने बताओ? तुम बेला को कर मुझे घर से, लेकिन उसने क्या किया मुझे बताओ। हुक्म की फिक्र मत करो, हम उसे संभाल लेंगे, हम उसे जान से मार देंगे भाई। लेकिन मुझे बताओ विशाखा, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे बताओ क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्या किया उसने?
मुझे घर जाना, मुझे घर ले, मुझे घर। अच्छा 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 क्या मतलब? वापस अंदर जाओ, ये हुक्म का हुक्म है, काम हो चुका है। अमावस की रात को हुक्म जो काम करना चाहते थे वो हो चुका है। एक एक सेकंड, मतलब वो हो गया, उन्होंने कर दिया, नागरानी बेला को मात दे दी। ओह दैट्स ग्रेट, चलो काम हो गया। और वो नागरानी कहाँ है? उसे भी तो बधाइयां देनी है ना। नागरानी वापस अपने कमरे में पहुंच चुकी है और हुक्म भी उनके साथ है। हुक्म उन्हें गुप्त रास्ते से लेकर आए हैं। सुपर, चलो मिलते। रुको, उनसे कोई नहीं मिल सकता, यानी कोई भी नहीं। ओके 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 ओके, कोई कहीं नहीं जा रहा उनसे मिलने, ठीक है? पर एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि ये हुकुम ने इतनी आसानी से कर कैसे दिया? आई मीन या हुकुम पावरफुल एंड स्ट्रांग है, बट बेला ने फाइट बैक नहीं करी और उसका वो हीरो मारे, वो भी बीच में नहीं आया, ये हुआ कैसे? जैसे हुकुम चाहते हैं वैसे ही। चलो जो भी है, काम तो हो गया ना, अब आगे क्या करना है? तुम निढोक वंश की रानी हो ना? मेरे अलावा और वो भी कौन सकता है? हाँ, मैं ही हूँ निढोक वंश की नागरानी। तो तुम्हें धुआं पर्वत पर जाकर कुछ विशेष जड़ी बूटियां लेकर आनी होंगी। ये लो। और इन दोनों को क्या करना है? इंतजार, हुकुम के अगले आदेश आने तक का इंतजार करना होगा इन दोनों को। ऐसे रो, तुमने सोचा? बात कुछ फनी नहीं है। हमारी बहु रानी नाग रानी बेला किसी शैतान बच्चे की माँ नहीं बनेगी, बल्कि खुद शैतान की ही माँ बनेगी। मॉम, बट एक चीज, ये धुआं पहाड़ी जहाँ पे भी है, ये अब अकेले, मतलब आयुषो अब। युवराज, अगर काम आसान होता तो इसके लिए किसी नाग रानी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस काम के लिए हुक्म ने मुझे चुना है तो जरूर कोई बात हो। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, बस मेरे आने तक यहां सब कुछ संभाल लेना। मॉम, युवराज, मैं ये सब कुछ नागरानी के ताज के लिए कर रही हूं। वर्षों इंतजार किया है मैंने इस ताज का, इसके लिए मैं कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ, कोई भी कीमत अदा कर सकती हूँ, बस वो ताज मेरा होना चाहिए। विशाखा में बात करनी होगी। जो रूम में छोड़ के चला गया और मैं फौरन यहाँ आ गई। विशाखा, विशाखा, तुम रो क्यों रही हो? विशाखा बताओ ना, बात क्या है? मेरी आंखों में देखकर मुझे बोलो, सच क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप क्यों? बताओ बात क्या है, हुआ क्या है, क्या किया सबने तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मतलब? क्यों किया तुमने? मुझे कुछ भी किया, मेरे दोस्त के लिए, अपनी नागरानी के लिए। अरे कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? उस हुक्म ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम चुप क्यों? मुझे कुछ बताओ। वो हुक्म तो बेला के पीछे पड़ा हो। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। क्यों 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 माफ करूं? ऐसी क्या गलती करती? क्योंकि गलती वाली बात ही नहीं, तो मैं माफ क्यों करूं? वो हुक्म बेला के बीच पड़ा हुआ था ना। तुम सॉरी, तेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाखा बोला ऐसा नहीं हुआ है। उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? विक्रांत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाखा पे नाराज क्यों हो रहे हो? विशाखा की क्या गलती है? तुम भी जानते हो उस हुक्म से जीतना आसान है क्या? कितना खतरनाक है वो, कितना ताकतवर है। तुम इस तरह विशाखा से मुंह नहीं फेर सकते हो। It's okay, बेला। सच जानने के बाद विक्रांत को जिसका साथ देना है दे।
लेकिन विक्रम, मैंने जो कुछ भी किया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं वहां नहीं होती तो मेरी जगह वहां बेला होती, और जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी। पर तुम वहां से भागी क्यों नहीं? उठ के भाग जाना चाहिए था ना विशाखा। नहीं बेला, शायद ही मेरे पापा की सजा थी बेला। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत, तुम्हें दोस्ती में दगा दिया। शायद यही भगवान का तरीका था मुझे सजा देने का। इस शैतान क्या नहीं विशाखा, नहीं, भगवान किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। मैंने दी है तुम्हें सजा, तुम उस चीज का प्रायश्चित कर चुकी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये एक दोस्त की नजर कहती है, लेकिन शायद भगवान ये सब नहीं देख सकते, इसलिए मुझे ये सजा मिली। और मैं शायद इसी के लायक हूं बेला। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे ये सजा। और विक्रांत, अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो। तुमसे नफरत क्यों करेगा? ये तुम्हारी क्या गलती है विशाखा? विक्रांत, तुम समझ सकते हो ना उस वक्त क्या हालात थे, क्या बीती होगी विशाखा पे। पागल हो तुम? अगल क्यों करूंगा मैं तुमसे नफरत? मैं मर जाऊंगा तो मैं कहूंगी तक बैठाऊंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये बात जानती हो ना तुम। जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों तुम्हें दोष दूंगा? मैं ना ही कभी तुम्हें गुनहगार समझूंगा और ना ही अब मैं तुम्हें गुनहगार मान रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि प्यार जैसा भी हो वैसे अपनाना चाहिए, तो मैं भाग रही हूँ जो अपनी बीवी क्या तो मार खाऊंगा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शाखा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं एक बात की कसम खाता हूँ शाखा, उस हुक्म को ना सिद्धानी छोड़ूंगा, मैं जो से मार डालूंगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। उस दिन जो तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसे सिद्धानी छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं विक्रांत। अरे क्या नहीं, तू थी ना वहां, तूने देखा ना मेरी विशाखा के साथ उसने कैसा क्या किया। ठीक हूँ मारे से, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। एक बात कान खोल कर सब दुख सुन, जब तक मैं सुकुम को जान से नहीं मार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उसे जान नहीं मार दूंगा। वो जिंदा नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ गई हूं। ठीक है चलो। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, क्या कर रहे हो तुम दोनों, पागल हो गए हो? क्या चाहती हो तुम? जो उसने किया उसके बाद ही वो जिंदा बचा रहे, छोड़ दो उसको। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं उसे सबसे पहले मरते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मत भूलिए कि अघोरी बाबा ने क्या कहा, वो लोग कोई आम लोग नहीं है। आपको पता भी है वो कहां से आए, उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा है। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते, उन्हें यूं ही नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए हमें ठोस प्लान चाहिए। गुंजाइश नहीं होगी बेला। इसका भाई माहिर तुम्हारा भाई ऋतिक है ना, वो मदद करेगा ना, वो मदद करेगा हमारी। देखो शांत हो जाओ, ये बात हमें चाहे जितनी बुरी लगे लेकिन सच्चाई यही है कि विशाखा की कोख में उसका पाप है। विशाखा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और इस वक्त हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विशाखा का ये इतना बड़ा बलिदान खराब जाए, बेकार जाए। तो तुम क्या चाहती हो कि उसके पाप को मैं खुद अपने हाथों से जाके उसके बाप को दे दूं? ये लो। ऐसा नहीं चाहती हूँ विक्रांत, लेकिन हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। अगर आज तुमने उस हुक्म को मार दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अंधका से कैसे निपटना है? वो अंधका, वो बच्चा जिसके बारे में खुद हुक्म कहता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो, इस बच्चे के जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसे पता चलेगा क्या क्या कर सकता है ये बच्चा? देखो मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ विक्रांत, मैं भी हुक्म को एक बहुत बुरी मौत देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। विक्रांत बेला बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस शैतान का अंश मेरे पेट में पल रहा है, पता नहीं वो क्या रूप लेगा, उसकी क्या कमजोरी होगी, क्या ताकत होगी, कैसे मारेगा, कैसे मरेगा, हमें कुछ नहीं पता। और क्या पता उसने कुछ जादू किया और इस बच्चे की जान उसकी जान से जुड़ी हो। कहीं ऐसा हुआ कि तुम हुक्म को मारने जाओ और उसके साथ ये बच्चा मर जाए और उसके साथ मुझे अगर नहीं, कुछ नहीं विशाखा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगर मैं हुक्म की तरह शैतान बन गई तो मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? बहुत डर लग रहा है। नहीं विशाखा, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, चाहे तुम शैतानी बेचो तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम सही कह रहे हो विक्रांत, तुम विश का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाने देंगे।
वो इसमें हम सब साथ हैं। उस हुकुम और अंधका को मारने के मिशन में हम एक साथ। मैं बाप बनने वाला हूं, मुझे मुबारकबाद दो। लेकिन इसने हमें बंदी क्यों बना रखा है? क्योंकि सुमित्रा ने ऐसा कहा है, और तुम तो अपनी बहना का हर कहना मानती हो, है ना? और तुम अपनी मां का कहा ना मानो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुकुम। बस हमें क्या करना है ये आगे आप बोलिए क्या। मैं चाहता हूं कि तुम नागरानी की नौकरी करो, उसे खुश रखो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो, उसे खिलाओ पिलाओ जब तक मेरा बेटा अंधका इस दुनिया में नहीं आता, जब तक मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होती। तुम नागरानी की हर इच्छा पूरी करो, समझे? मेरा बेटा आने वाला है, मेरा शैतानी बेटा, मेरा अंत का। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर सो लेती ना। और नहीं, नींद आ रही है माहिर जी, दिमाग में यही सब चल रहा है। आई नो विशाखा, ये सब इतना स्कैरी है ना माहिर जी, और ये सब सच है, ये सब एक ख्याल या कोई बुरा सपना नहीं है, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। आपको पता है हमने बचपन में उस अंधका की कितनी कहानियां सुनी, एंड आई कांट बिलीव वो मेरी सहेली की कोख में पल रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खुद को टॉर्चर मत करो ये सब कुछ सोच के। तुम बस ये सोचो कि अगर विशाखा तुम्हारी जगह ना लेती तो क्या होता, कितना गलत हो सकता था, अंधका कितना पावरफुल हो जाता। अंधका अब पावरफुल नहीं है ये भी तो नहीं कहा जा सकता ना। है बिला, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अब जो हो चुका ना ठीक है ना, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हुकुम का क्या करना है। हमें बस इसी बात पे फोकस करना चाहिए, ये हुकुम, ये अंधका, इन सबको कैसे खत्म करना है, और कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ और भी है बिला। मतलब? There is something जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। You're right. In fact, उसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ मिला, बोलो ना। माहिर जी, बहुत दिनों से ये बात मेरे दिमाग में थी। इतना वक्त हो गया है माहिर जी, और मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाई है। सुबह सुबह इतनी टेंशन है माहिर जी, मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना है। लेके आता हूँ मैडम, और क्या लेंगी साथ में, फ्राइज वगैरह कुछ और लाऊं? आई डोंट माइंड, थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आना, नहीं तो आप मेरे से चुरा के खाते हैं, मैं शेयर नहीं करूंगी। अच्छा जी, आई लव यू। आप क्यों इतने अच्छे हैं, मेरी हर बात क्यों मान जाते हैं आप? जिससे कि तुम भी मेरी सारी बातें मान जाओ, स्पेशली रात को। हाँ, you're glowing. I know, excitement में। मेरी बात सुन के। चॉकलेट आइसक्रीम की एक्साइटमेंट है, जाके लेके आइए। हाँ ला रहा हूँ। अरे धक्का क्यों मार रही हो? I'm sorry माहिर जी, एक बात है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, पर वो छुपानी पड़ेगी मुझे। I hope मैं आपको जल्द से जल्द वो भी बता दूँ।
आई लव यू। अरे रो, क्या कर रही हो? इसे पकड़ो, संभालो संभालो इसे। वो कह रही है कि वो ठीक है तो तुम क्यों उसे पकड़ के रखे? छोड़ो ना, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं इसके चक्कर में कर? अरे बेवकूफ, चक्कर आ रहे से इसका मतलब ये कि मां बनने वाली हुकुम के बच्चे। मैं पे ठीक हूँ, प्लीज छोड़िए मुझे। खुबा हुरानी, ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ, यानी कि हुकुम के बच्चे, अंधका के लिए। अब एक काम करो रो, इसे कमरे में ले जाओ। चलो जाओ, चलो आराम से। हेलो, हाँ हाँ आ जाइए, आप ही का इंतजार कर रही हूँ, आइए। तुम किससे बात कर रही हो? अपने हॉट डेट से। मुझसे कब मिलवाओगी? शो, तुम हर चीज को कितनी सीरियसली लेती हो? डॉक्टर से बात कर रही हूँ। वो लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, उसे तो तुम्हारी नर्व्स चेक करते ही पता चल जाएगा कि तुम मां नहीं बन रही हो। अब हम क्या करें?